अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कैसे हैं? अच्छा, आज की जो वीडियो है ये काफ़ी ख़ास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ना NFT ट्रांसफ़र करने का मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, पहले हम लोग टोकन पोकर से कर सकते थे, डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट से कर सकते थे, लेकिन अब ना वहाँ से होती है ना ही टोकन पोकर से होती है, कुछ वॉलेट में हो जाती है, नहीं तो अक्सर वॉलेट में प्रॉब्लम आती है। अब इसमें यह भी था कि एक और मेथड था कि हम लोग OpenSea से अपने NFT को ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि उसमें भी हमें ना सिर्फ और सिर्फ जो हम लोगों ने ऑफिशियली परचेज़ की थी या हमें जो ऑफिशियली फारसी की तरफ से दिए गए थे NFT, वो तो हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन जो हम लोगों ने एक दूसरे के वॉलेट से निकाले थे वो ट्रांसफ़र नहीं होते थे। ठीक है, अब जो भी आपने NFT जिधर से भी ली है वो आपका NFT जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, आपने सबसे पहले अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे ये ब्राउजर का बटन है, आप इधर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर आप लिखेंगे म्यू, आप डायरेक्ट NFT रेट के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन mu.world। ठीक है, अब ये सर्च कर लें, mu.world सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप लोगों ने आपके पास इसकी जो साइड है वो ओपन हो जाएगी। फिर आपने क्या काम करना है, यहाँ पर नीचे आना है, थोड़ा सा इस पेज को नीचे स्क्रोल डाउन करना है और यहाँ पर देखें ये NFT ट्रेड मार्केट आपको दी गई है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इस लिंक के ऊपर जैसे आपने क्लिक किया ये साइट जो है ना NFT ट्रेड की आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, ऑटोमेटिक ये आपको वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन देता है, लेकिन आप यहाँ से कैंसिल करेंगे, इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। कनेक्ट आप तब करेंगे जब आप ऊपर ये 3 डॉट हैं इनके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए EVM चेंज Ethereum आ रहा है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपने इसे BNB स्मार्ट चेंज में चेंज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखें ये 2 लाइनें हैं 3 लाइनें हैं, आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वॉलेट कनेक्ट का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक किया, क्लिक जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास कनेक्ट BNB का बटन आ जाएगा। ठीक है, BNB कनेक्ट का बटन आ जाएगा, आप उसे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ था तो इस वजह से मेरा ऑटोमेटिक अकाउंट ही आ गया। ठीक है, आप जैसे उसके ऊपर कनेक्ट कर लेंगे फिर आपने क्या काम करना है, यहाँ पे ये ऊपर 3 लाइनें हैं इनके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए माई अकाउंट का बटन है। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे हर वो NFT शो हो जाएगा जो आपके वॉलेट में पड़ा होगा। ठीक है, जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। अब जैसे बिल फॉर्ज मैं इस NFT को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप इसको लिस्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, सेल आउट मार्केट प्लेस के ऊपर भी कर सकते हैं। अब हम लोगों ने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफ़र करनी है तो यहाँ पे ऊपर देखें 3 डॉट हैं इनके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रांसफ़र का बटन। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इधर वो एड्रेस पेस्ट करेंगे जिसको आपने NFT देना है। ठीक है, उसका BNB स्मार्ट चेंज का एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आपने एड्रेस पेस्ट किया, एड्रेस पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप प्रूव का बटन है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र NFT के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक NFT ट्रेड की तरफ से कॉल आएगी जिसमें आपके पास BNB जो है ना रिक्वायरमेंट होगी, आपके पास आपके वॉलेट में BNB होना ज़रूरी है, देन ही आप इसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। आप प्रूव के ऊपर क्लिक करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं और आपका जो NFT है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें हर NFT इस मेथड से ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, आपको किसी तरह की यहाँ पे कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब ये जो हमारा NFT है वो यहाँ पे देखें ये ट्रांसफ़र हो चुका आज की डेट में। ठीक है, अगर आप इसे वापस करते हैं तो पहले यहाँ पे देखें 2 NFT थे, अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ इस वॉलेट में 1 NFT रह गया। अब दूसरा NFT किधर पहुँचा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इस वॉलेट में मैंने वो NFT को ट्रांसफ़र किया। ठीक है, मैं यहाँ पे NFT ट्रेड को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करते हैं और ऑलरेडी मेरा BNB है, और 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पहले वाले अकाउंट को लॉग आउट करके मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं माई अकाउंट में गया और यहाँ पर मैं आपको वो NFT दिखा देता हूँ। ये देखें, ये मैंने अभी NFT ट्रांसफ़र किया है, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में मेरा NFT आ गया। आप अपने NFT को NFT ट्रेड के ऊपर भी देख सकते हैं कि आपके वॉलेट में ये पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। ये देखें ये ट्रांसफ़र डेट, ठीक है, ये 1/1/2024 आज की डेट में ये डाटा जो है ना NFT यहाँ से ट्रांसफ़र करेगी। तो ये आसान सा मेथड था एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में NFT ट्रांसफ़र करने का।